हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। हाँसी में मैम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और उनके रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। कुंडू के करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक हाँसी शहर में हिसार चुंगे स्थित वकील कॉलोनी में मैम के विधायक बलराज कुंडू के ससुराल में आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे उनके आवास पर पहुंची। आवास पर विधायक बलराज कुंडू की सास मैना देवी ही थी। वहीं गुरुग्राम स्थित बलराज कुंडू के ऑफिस पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। वहीं रोहतक में भी बलराज कुंडू के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। रोहतक के सेक्टर 14 स्थित उनके आवास पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन का आज 92वां दिन है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को किसानों ने दमन विरोधी दिवस मनाया, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया गया। किसान नेताओं की ओर से फसल को नष्ट न करने की अपील का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। बुधवार को चरखी निवासी किसान ने अपनी 4 एकड़ जमीन में लगी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। किसान ओम प्रकाश के मुताबिक उसने सिर्फ 1 एकड़ फसल ही खेत में बचाई है, जिससे उसके घर का काम चल जाए। वहीं किसान ओम प्रकाश ने यह भी कहा कि फसल बर्बाद करने के बाद अब किसान दूध भी महंगा करेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने हिसार में हुई पंचायत के दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि किसान फसलों में आग लगा देंगे, जिसके बाद कई किसान अपनी फसलों को नष्ट कर चुके हैं। अंबाला में एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मामला मोहड़ा गांव की जहां करीब 52 साल के किसान ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर। बहरहाल अभी यह खुलासा नहीं हो पाया है कि किसान ने खुदकुशी किन वजहों से की है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। गांव मोड़ा चौकी इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राइस मिल के अंदर किसी ने खुद को गोली मार ली है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे तो पाया कि किसान ने लाइसेंस रिवाल्वर से खुद को गोली मारी थी। किसानों के दमन विरोधी दिवस के दौरान साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि किसानों का सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ कोई दमनकारी कार्रवाई नहीं की जाए। किसान आंदोलन के बीच बॉर्डर पर और सख्ती कर दी गई है। सिंगू बॉर्डर इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब यहां से पैदल गुजरने पर भी पाबंदी है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन में किसान के मौत का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में ताजा मामला सिंगू बॉर्डर का है, जहां पंजाब के किसान के हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक किसान पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था। किसान के साथियों का कहना है कि रात को खाना खाकर वो अपने टेंट में सोया था और सुबह उसे मृत हालत में पाया गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कैथल में बुधवार को किसानों ने दमनकारी दिवस मनाया। इस मौके पर सैकड़ों किसान सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सरकार के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश और गुस्सा है। लगातार किसानों को नजरअंदाज कर दमनकारी नीतियों से देश भर के किसानों को दबाने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर कैथल में दमनकारी दिवस मनाया गया। किसान आंदोलन के साथ ही अब किसानों के सामने गेहूं की फसल कटाई को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है। इस संकट से निकलने के लिए किसान और किसान नेताओं की ओर से विशेष रणनीति तैयार की गई है और अब इस रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है।
तय की गई कि रणनीति के तहत प्रत्येक गांव में जो बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और खेती बाड़ी का काम कोई करने में वो सक्षम नहीं है, अब ऐसे बुजुर्गों को प्रत्येक गांव से लाकर आंदोलन स्थल पर बिठाया जाएगा और आंदोलन को चलाने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। आंदोलन में भागीदारी दे रहे काम करने योग्य व्यक्ति और युवा वापस खेतों की तरफ रुख करेंगे और गेहूं कटाई के बाद फिर से बुजुर्गों की जगह आंदोलन में भागीदारी करेंगे। बुधवार को किसानों ने 26 जनवरी को किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर दमन विरोधी दिवस मनाया। किसानों ने कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि निजीकरण की मार झेलने वाले और बेरोजगार युवाओं को भी किसान आंदोलन में जोड़ा जाए। ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है बल्कि निजीकरण के खिलाफ भी है और बढ़ती हुई बेरोजगारी के चपेट में आ रहे युवा पीढ़ी की भी है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर बुधवार को करनाल के जिला सचिवालय पर किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने आंदोलन के दौरान जेलों में बंद हुए किसानों को सशर्त छोड़े जाने की मांग की और जिला सचिवालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन देने पहुंचे किसानों द्वारा अपील की गई कि कोई भी किसान भाई अपने खेतों में खड़ी हुई फसल को नष्ट नहीं करे, इससे बेहतर है कि फसल को मजदूरों में फ्री में बांट दे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे राष्ट्रीय किसान संगठन के आह्वान पर किसान नेताओं ने सिरसा के बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम से लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन में सहयोग दे रहे पत्रकारों, डॉक्टरों, समाजसेवियों, वकीलों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दमन किया जा रहा है। इसी के विरोध में किसानों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए लघु सचिवालय में पुलिस बल तैनात किया गया। उपायुक्त कार्यालय को जाने वाले रास्ते में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। इसके बाद किसानों ने नारेबाजी करते हुए विरोध जाहिर किया। एक तरफ जहां करीब 3 महीने से नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं इस दौरान जिन किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं और उन्हें समन भेजे जा रहे हैं, उनके लिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में किसान यमुनानगर के जिला मुख्यालय पर इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अनाज मंडी गेट से लेकर जिला सचिवालय तक प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि भोले भाले किसानों के खिलाफ मामले दर्ज कर उन्हें समन भेजे जा रहे हैं, वो प्रशासन की गलत कार्रवाई है। यदि पुलिस किसानों के घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचती है तो वो इसका विरोध करें। अंबाला में असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का कार्यक्रम था जो किसानों के विरोध के चलते रद्द कर दिया गया। विधायक असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की ओर से अंबाला में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही किसान भारतीय किसान यूनियन के झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए गुड़ मंडी पहुंच गए और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन राजोवाल के महासचिव प्रकट सिंह ने राकेश टिकैत के संसद भवन पर झंडा फहराने के बयान को उनका निजी बयान बताया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली जाने की बात नहीं कही है। दरअसल राकेश टिकैत ने इंडिया गेट के पार्क में हल चलाने की बात कही थी, लेकिन इस पर भी साफ करते हुए किसान नेता ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन शांतिपूर्ण जारी रहेगा। गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर साउथ और नॉर्थ वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। विज ने कहा कि कांग्रेस और राहुल देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आजादी के समय से ही कांग्रेस यही काम कर रही है। कांग्रेस ने 1984 में हिंदू और सिखों को लड़वाया और अब देश के लोगों को बांटने का काम कर रही है।
वहीं विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर बीज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले अपनी पार्टी में विश्वास प्राप्त करें, ये लोग विधानसभा में चारों खाने चित होंगे। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचकूला के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम के तर्ज पर अन्य शहरों में भी स्टेडियम विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने खेलो इंडिया को बेहतर कार्यक्रम बताते हुए कहा कि इसके तहत प्रदेश भर में खेल के लिए आधारभूत ढांचे को नए आयाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान दे रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना जिसने ओलंपिक क्वालिफाई पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपए देने का फैसला लिया है, यहां तक कि सर्कल कबड्डी को भी खेल पॉलिसी में शामिल किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुए इजाफे के संदर्भ में विपक्षी दलों की मांग पर पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा आज भी पड़ोसी राज्य पंजाब और राजस्थान से कम बैट लेता है और उन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक उदयभान से मुलाकात की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर घेरा। दीपेंद्र ने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़े हैं इससे आम जनता परेशान है, वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज तक ऐसा किसान आंदोलन नहीं हुआ जिसमें 248 किसान शहीद हुए। इनेलो के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर तंज कसा है। अभय चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भीड़ से कानून नहीं रद्द होने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भीड़ ने ही देश को आजादी दिलाई। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि तोमर अभी भी आरएसएस के दफ्तर से बाहर नहीं निकले हैं। अभय सिंह चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनौती देते हुए कहा कि नरेंद्र तोमर हरियाणा पंजाब का दौरा करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 2 उपचुनाव में बीजेपी को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। कालका और एलनाबाद हलके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और सीएम मनोहर लाल रैली करके दिखाएं। सोनीपत के गांव ककरोई में सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण किसान की 40 एकड़ फसल जलमग्न हो गई, जिसके बाद किसानों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने पहले ही विभाग को सूचना दी थी, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पहले नहर ठीक थी और गहरी थी, लेकिन विभाग ने ठेकेदार के साथ मिलकर करोड़ों की मिट्टी बेच दी, जिसके बाद यह नहर टूटकर हमारी फसल को बर्बाद कर रही है। परेशान किसानों ने आत्महत्या करने की बात कही। इस पूरे मामले में जब सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है। वहीं सोनीपत के एसडीएम का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और अगर किसी भी अधिकारी की कोई लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में देर रात एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल भिजवाया। पुलिस के मुताबिक युवक ओल्ड फरीदाबाद का ही रहने वाला था, जिसने दिल्ली की रहने वाली एक युवती के साथ कमरा बुक कराया था, लेकिन युवती घटना के बाद से गायब है। फिलहाल होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। कुंडली स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसकी सूचना मिलते ही कुंडली की टॉप नाइट पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से आग और भी ज्यादा भड़क गई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया।
बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान दो मजदूरों की जलने से मौत हो गई। दोनों मजदूरों के शव को कड़ी मशक्कत के बाद फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। प्रदेश में बुधवार को तीसरी से पांचवीं तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक विद्यालय में आने से पूर्व विद्यार्थियों को अपने माता पिता अभिभावकों से लिखित अनुमति देनी होगी। ऐसे छात्र जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन सुविधा भी जारी रहेगी। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने जारी किए अपने निर्देश में यह भी कहा है कि विद्यार्थियों को स्कूलों में मौजूद होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं आदेशों को देखते हुए अब स्कूल संचालकों ने अपनी तैयारियां पूरी की। बच्चों के ध्यान को रखते हुए कोविड 19 प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इसको लेकर स्कूल प्रबंधन की ओर से एंट्री गेट पर बच्चों का शरीर का तापमान, मास्क, सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद एक बार फिर से स्कूल खोले गए हैं। स्कूल गेटों पर सभी के थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही स्कूल परिसर में सभी को मास्क पहनने और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करने की हिदायत भी दी जा रही है। 11 महीने के बाद स्कूल में आए बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें ऑफलाइन पढ़ाई में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अब वो स्कूल में पढ़ाई कराए जाने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बुधवार से प्राथमिक विद्यालयों को शुरू कर दिया गया है। इस बीच रादौर में भी प्राइमरी स्कूल पूरी तैयारी के साथ खुले। कक्षा में एंट्री से पहले टीचर्स द्वारा सभी बच्चों के तापमान की जांच के साथ सैनिटाइज के बाद ही प्रवेश दिया गया। रादौर के छोटावास में स्थित राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक वीरेंद्र पंचाल ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। उन्होंने बताया कि स्कूल में प्राइमरी विंग में बच्चों की संख्या 218 के करीब है, जिनमें पहले दिन 125 बच्चे ही स्कूल पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों के पास मेडिकल जांच रिपोर्ट न होने के कारण उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। जजर में आजी संदीप खिरवार ने पुलिस लाइन में बने क्वार्टर और कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया। मौके पर एसपी राजेश दुग्गल, डीसी जितेंद्र दहिया भी मौजूद रहे। फरीदाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का मेयर ने निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालयों की खस्ताहाल पर जब मेयर ने एसडीओ से जवाब मांगा तो उन्होंने उल्टा उन पर ही सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। दरअसल मेयर एसडीओ से यह सवाल पूछ रही थी कि आखिर रोजाना सफाई के बावजूद शौचालय इतने गंदे क्यों पड़े हुए हैं और आम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। इस पर एसडीओ साहब मेयर पर ही भड़क गए और उन पर आरोप लगाने। इस मामले में जब मेयर सुमन बाला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मनमानी इतनी हावी हो गई है कि जब उनसे उनके कामों पर सवाल किया जाता है तो वो इस तरह सरेआम दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो इसकी शिकायत करेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण करवाया गया है, लेकिन जब निरीक्षण करने पहुंची तो एसडीओ ने उनसे बदतमीजी की। सरकार ने पीलिया और काला पीलिया पर काबू पाने के लिए 2018 में हरियाणा राज्य की जीवन रेखा स्कीम की तर्ज पर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था। अब देश भर में इस ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने इको प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर आउटकम प्रोग्राम शुरू किया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां साल 2013 में काला पीलिया की रोकथाम के लिए निःशुल्क जीवन रेखा स्कीम शुरू की गई थी। इसी की सफलता को देखकर भारत सरकार ने 2018 में इसे देश में लागू कर दिया। हरियाणा में इसकी मुहिम अब जोरों पर है। इस रोग की पहचान के बारे में जानकारी देते हुए पीएमओ रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग सिस्टम होते हैं। तेईस फरवरी को सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया। ऐसे में अब जिला प्रशासक प्रदेश के सभी 346 गांवों की बागडोर संभाल रहे हैं।
जिला प्रशासक ग्राम पंचायत सचिव की मदद से गांवों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जब तक गांव के अगले सरपंच का चयन नहीं हो जाता तब तक जिला प्रशासक ही गांव के सभी कार्यों पर निगरानी रखेंगे। रोडवेज अधिकारियों ने राजस्व बढ़ाने के लिए लंबे रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दी है। अधिकारियों ने चंडीगढ़ और जयपुर रूट पर रात्रि बस सेवा शुरू की है। अधिकारियों ने प्रति किलोमीटर 30 रुपए की बुकिंग करने का लक्ष्य रखा है। गोहाना सब डिपो के बेड़े में 34 बसें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त किलोमीटर स्कीम की 20 बसों का संचालन भी बस अड्डे से हो रहा है, जिससे यात्रियों को फायदा होगा। प्रदेश में 24 घंटे में 130 नए कोरोना के मामले सामने आए। गुरुग्राम में 39 और फरीदाबाद में 10 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 16 और करनाल में 17 नए मामले सामने आए। कोरोना के नए मामलों में कमी के साथ ही बीते 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत का मामला सामने आया है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3,043 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,70,097 केस सामने आ चुके हैं। पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर एचडीएफ पार्टी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्कूटी को रेहड़े पर बांधकर बाजारों में घुमाया गया। प्रदर्शन के दौरान गैस सिलेंडर को भी माला पहनाकर रेहड़ी पर रखकर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीना में अपनी दुकानें बचाने के लिए दुकानदारों का धरना 17वें दिन भी जारी है। 22 फरवरी से रोजाना 5 दुकानदार क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए। आपको बता दें कि लघु सचिवालय और उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन का निर्माण शुरू होने से दुकानदारों को उनकी दुकानों के टूटने की संभावना है। इसी के चलते 8 फरवरी से दुकानदारों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। दुकानदारों की ओर से इसे लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस भी दायर किया गया है। इस पर दुकानदारों के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया हुआ है और इस मामले की सुनवाई 8 मार्च को हाईकोर्ट में होनी है। भिवानी में बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले के विरोध में लोकतंत्र बचाओ दिवस के अवसर पर किसान मजदूरों ने शहर में प्रदर्शन किया। NH-52 पर बने बालाजी मंदिर के पास सीवर का गंदा पानी इकट्ठा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सड़क के बीचों बीच गड्ढों में गंदा पानी भरा हुआ है। आज दिन आने जाने वाले लोगों के अलावा आसपास के दुकानदार भी परेशान हैं। उधर मंगलवार को बाइक सवार युवकों पर गंदे पानी के छींटे जाने के बाद बवाल हो गया।